तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज ये बहुत ध्यान देने की चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये व्यक्तित्व उजागर करने का बिजनेस नहीं है क्योंकि व्यक्तित्व क्या हर आदमी का अलग होता है और जब अलग अलग होगा तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा है ना सिमिलरिटी नहीं आ पाएगी तो व्यक्तित्व उजागर करने का बिजनेस नहीं है और व्यक्तित्व को प्रमोट करने का बिजनेस भी नहीं है कि मैं सर ने जैसा बताया, बताया इसके ऊपर ट्रेनिंग दी बहुत अच्छी आज इट्स अबाउट ए सिस्टम That कैन बी कॉपीड अप्लाइड एनी वेयर एंड at एट एनी टाइम यह सिस्टम को प्रमोट करने का बिजनेस है जो कि समान है और उसको समान रूप से किसी भी जगह हर जगह किसी भी सिचुएशन में कॉपी और प्रमोट किया जा सकता है तो हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके सर ने आज इसके बारे में समझाया इन टेक्नोलॉजी ब्रांड क्रिएट बेटर देन लास्ट टाइम तो हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत मायने रखता है हर बार एप्पल या तो पिछले जैसा मिनिमम ब्रांड नया बनाएगा या फिर उससे बेटर बनाता है तो हर बार डुप्लीकेशन जो आता है वो अच्छा आएगा या तो बेटर होगा या मिनिमम पिछले स्टैंडर्ड पे तो होगा हो ही होगा तो इसका मतलब हमारा भी हमारे नेटवर्क में जो डुप्लीकेशन है हमारे कोर हैं उनका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए या तो हम जैसे या हमसे बेहतर क्या कोर का यही फॉर्मूला है टीम में जिसके में या तो हम जैसे या हमसे बेहतर आने शुरू हो गए वही राज करेगा है ना और उसी का जमाना है उसकी टीम को कोई टक्कर दे नहीं पाएगा और रिजर्व मत रखो बचाओ मत कुछ भी मतलब ट्रांसपेरेंटली काम करो और लोगों के जब ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं तो लोगों के साथ आपके हेल्दी रिलेशन बनते हैं और बढ़िया टीम वर्क में काम होता है डुप्लीकेशन पर काम करना बहुत जरूरी है एट बेसिक बिल्डिंग स्टेप्स हमारे इन पे ही बिजनेस पूरा घूमता है हमारा और इसको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने डाउनलाइन से अच्छी बात है क्योंकि डाउनलाइन तैयार नहीं होगी तो बिजनेस उतना रोटेशन में नहीं आएगा लेकिन आप बताओ वो उन्होंने जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कहीं से सुनी हुई है उन्होंने या तो आपको सुना या आपकी अपला या किसी न किसी को के कॉपी करके दे रहे हैं लेकिन हर बार और ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है तो अगर आपके माध्यम से बार 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 दोबारा दुबार लिस्ट के ऊपर कभी ड्रीम के ऊपर कभी इनविटेशन के ऊपर तैयारी करके किताब पढ़ के और दोबारा उसको उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ कौशल के साथ बार बार जितना बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा आपका स्टैंडर्ड बनेगा ट्रेनिंग का अब अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं हमारे मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में तो अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं आपने देखा क्लास वन अफसर भी ज्वाइन कर रहे हैं है ना yep. थ्री स्टार थ्री स्टार भी ज्वाइन कर रहे हैं अब डॉक्टर भी आ रहे हैं प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं तो उनको प्रभावित करने के लिए क्या है हमने क्वालिटी ऑफ बिजनेस भी बढ़ाना बहुत जरूरी है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बढ़ाना भी ज़रूरी है ड्रीम है तो फाइंड आउट देयर ड्रीम इट इज़ अ साइंस एक साइंस है जो काम करती है तो एक छोटी छोटी चीज़ों पर मैं ध्यान दिलाऊंगा आप सभी का यहाँ पर साठ लीडर बैठे हैं किस लीडर की टीम में वीकली लेवल पर जो भर्ती हो रही है उसमें कितने लोगों को होम मीटिंग्स के माध्यम से उनके ड्रीम्स बनवाए जाते हैं वो दूसरों से एक परसेंट आगे बढ़ेगी टीम जिस नेटवर्क में जिस टीम में हर सप्ताह जो लोग आ रहे हैं उनके घर पे जाके एफ के द्वारा या होम मीटिंग के द्वारा अगर उनके ड्रीम की लिस्ट तैयार कराई जाती है तो वो टीम दूसरी टीमों को आने वाले समय में थोड़ा क्रॉस करेगी उसका एवरेज यहां से बढ़ेगा इस पे काम करना बहुत जरूरी है फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं लिस्ट पे हेल्प देम टू मेक इट एट एटलीस्ट लीस्ट ये डेढ़ सौ मिनिमम और एडिंग फिफ्टी नेम एवरी मंथ नॉट नेगोशियेबल जिस टीम में एफ के द्वारा या होम मीटिंग्स के द्वारा जो लोग भी हर सप्ताह भर्ती हो रही है आपकी टीम में उनकी लिस्ट तैयार करवाई जाती है मिनिमम डेढ़ और पंद्रह नाम प्रतिमा ऐड करने हैं इससे कम में कोई समझौता नहीं है अगर ऐसा कोई काम किसी की टीम में चल रहा है तो आज उसकी टीम दिखाई नहीं दे रही होगी 2024 में उसकी टीम को टक्कर नहीं देगा अगर ये ये आपके आ, रेशियो को रिजल्ट्स को प्रभावित करेगी ये ये एवरेज बढ़ाएगी ये चीज़ एक्टिविटी इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में द आर्ट ऑफ इन्विटेशन कॉल्ड नेवर एंडिंग जर्नी इसको नेवर एंडिंग जर्नी बोला जाता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती किसी भी लेवल तक हम यूरोपियन लोगों को देख रहे हैं ये लोग इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं तो ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है और हमने क्या करना है प्रोस्पेक्टिंग करते किसी भी लेवल पर करते रहेंगे तो क्या होगा अपनी टीम में जरूरतमंदों को स्पिल ओवर कर सकते हैं और हम जिसको ज्वाइन कराते हैं वैसे ही वो हमारे साथ तो काम करता ही नहीं है आपने शुरुआत में जिनको ज्वाइन कराया उन्होंने हमारे साथ नहीं किया कभी तो आज भी जिनको ज्वाइन कराएंगे वो भी हमारे साथ नहीं करेगा इससे अच्छा किसी को पटक दो किसी के नीचे तो वहां पर उसके काम करने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ज्वाइन हम आसानी से करा सकते हैं काम कोई दूसरा आसानी से करवा सकता है तो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है अपनी टीम में ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ा करके आप इस पर हम काम करेंगे तो हमारी टीम और ग्रो करेगी दूसरी टीमों के अपेक्षा एस टीपी थ्रू होम मीटिंग्स जूम वन टू वन जो भी जितना मौका मिल रहा है ग्रुप में भी चलने दो वन टू वन भी चलने दो जो ज्यादा रिजल्ट आएंगे वहां से इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो होम मीटिंग्स में आते हैं प्लान दिखाने में तो फिजिकल अगर दिखाने तो ऐसे और वन टू वन दिखाने तो लेस नंबर्स कर दीजिए तो एक, एक हजार लोगों को प्लान दिखाने में रिजल्ट ज्यादा नहीं आएंगे छोटे छोटे पच्चीस पच्चीस के टुकड़े में अगर आपके बीस प्लान हो गए तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे तो सेल्स अच्छी कन्वर्ट होगी फॉलो फॉलो अप अप नेवर एंडिंग जर्नी बिफोर और आफ्टर एक ऐसी प्रोसेस है जो ज्वाइनिंग से पहले तो करनी पड़ती है लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी करनी पड़ती है आज सर के द्वारा साठ लीडर का फॉलोअप किया गया सवेरे से फॉलोअप ही चल रहा है बार बार समझाना पड़ता है क्राउन बनने तक भी फॉलो अप चलता रहेगा तो ये एक फॉलोअप की एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे मेरे को ज्वाइन करा दिया ज्वाइन होने के बावजूद भी मैं काम करने के लिए उतना तैयार नहीं हूं फिर मेरे से मिल रहे हैं फिर बात कर रहे हैं फिर समझा रहे हैं फिर मिल रहे हैं कभी फंक्शन दिखा रहे हैं कभी मीटिंग दिखा रहे हैं तो ये नेवर एंडिंग जर्नी है हमारे बिजनेस में अस्सी परसेंट रिजल्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग एक बार दो बार तो हम लोग रिजल्ट बढ़ा सकते हैं इस पर ध्यान देना है कि कौन से ऐसी हमारी जो टीम है तो एक बार दो बार में जो सेल आ जाती है उसको ले लेती है बाकी छोड़ देती है बेकार डाटा समझ के अब उन पर भी फोकस करवाओ जो अस्सी परसेंट छूट गया है अगर उस पर फोकस करोगे तो प्लान तो देख ही चुके हैं उनसे मीटिंग ही तो करनी है जूम के द्वारा ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल से वीडियो कॉल से फोन कॉल से घर पर जाके कैसे जाके पकड़ सकते हैं जो लोग छूटते जा रहे हैं उनसे भी एक बार और तीसरा चौथे फॉलोअप को बढ़वाइए द्वारा मिलिए आपके रिजल्ट फिर से बढ़ेंगे रेशियो आपका और एवरेज बढ़ना शुरू हो जाएगा हंड्रेड परसेंट यूजर ट्राई टू यूज सेल्फ एंड प्रमोट ओन प्रोडक्ट्स बी अ टीम प्लेयर काउंसलिंग विद वर्किंग अपलाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्किंग अपलाइन शब्द इसमें जोड़ा है जो काम भी करता है एक ऐसा अपलायन जो सिस्टम पर है सिस्टम को प्रमोट करता है एक्टिव है और काम करता है वर्किंग अप्लाइन इट्स इंपोर्टेंट मीन्स मेक योर ओन स्ट्रैटेजी अपलायन के साथ बैठना बातचीत करना मतलब है कि हमारी अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी तैयार करना और टीवीएफ ये एट बिजनेस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमको हमारे बिजनेस को मजबूती देंगे इसको थोड़ा सा और शार्प करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा तो इसको इनिशिएट करिए टेन कोर स्टेप हैं इसको लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग के बाद आउटपुट क्या आया ये हमें चेक करने की जरूरत है हमने ट्रेनिंग तो दे दी कोर ट्रेनिंग अब एंड रिजल्ट क्या है क्या लोग कोर बने क्या लोगों को रजिस्ट्रेशन डालना सीखे क्या लोगों को वेबसाइट ओपन करना आई ये बहुत बेसिक थिंग है तो इसको करना बहुत जरूरी है और मैंने एक चीज़ देखी है कि एक दो लीडर्स की टीम में ऐसा हो रहा था उन्होंने बताने की कोशिश की अपनी मीटिंग में कि हम लोग जितने भी लोग हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं वो रजिस्ट्रेशन डाल सकें किसी को प्लान दिखा सकें किसी की सेल निकाल सकें तो सर ऐसे लीडर हैं जो मतलब छोटे लेवल पर अपने से कई गुना बड़े लीडर्स की सेल को टक्कर दे रहे हैं इधर ही बैठे हैं हॉल में अपने से बड़े लेवल के लोगों की रिकॉग्निशन को टक्कर दे रहे हैं छोटे लेवल पर सिर्फ किसमें से एक छोटी सी पॉइंट्स की वजह से किसमें एक सप्ताह जैसे मान के चले किसी लीडर के ए टीम में सौ लोग भर्ती हुए पिछले वीक में अब क्या वो सौ लोग इनके ड्रीम बन गए पिछले वीक में जो आए क्या इनकी लिस्ट बन गई अच्छा नहीं बनी कोई बात नहीं अब क्या ये अगले एक सप्ताह में लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे डोंट्स बता दिए चलो कोई बात नहीं क्या आप ये किसी को बता पाएंगे प्लान नहीं बता पाएंगे तो आप कहां कहां तक घूमते फिरोगे अकेले जाने लेकिन इनको अगर तैयार कर दिया बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं इनको बस डोंट्स बता दिए जाए इनको ये बता दिया जाए कि अगले को प्लान कैसे बताओगे बताना है और वेबसाइट कैसे खोलनी है और किसी को पकड़ के ज्वाइन करा सको आप ज्वाइन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन डालना छोटी सी चीज है जो अगर ये तैयार कर दी गई जो बेसिक है जो छोटी सी चीज है तो ये आपकी टीम को इंडिपेंडेंट बनाएगी और सेल्स बढ़ेंगी ये आप कर रहे हैं कौन सी चीज कहां पर कौन सी हो रही है कौन सी टीम में कौन सी चीज छूट रही है और कौन सी चीज की वजह से कहां पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं अगर ये छोटी छोटी चीजें करने से बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं जो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है तो ये छोटी सी छोटी चीज़ें हैं मेक इंडिपेंडेंट मैक्सिमम इन योर टीम अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की एक मुहिम चलाइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम वर्क क्रिएट्स ड्रीम वर्क वर्क विद अपलाइन यूनाइटेडली अपने अपलाइन के साथ सर ने बताया कि यूनाइटेड होके काम करिए आपके आपकी टीम में क्या होगा विजन लोगों को मिलेगा और उस हिसाब से यूनाइटेड टीम काम करेगी तो बहुत बड़ा काम खड़ा होगा और तभी आप एक ड्रीम टीम बना सकते हैं उसकी कल्पना कर सकते हैं अपलाइन कौन होता है अपलाइन हमारे यहाँ पर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जर्नी विद दिस इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो यात्रा होने वाली है उस जर्नी के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कोई व्यक्तित्व तो होता है वो आपका प्लायन होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको इंस्पायर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स होता है वो भी आपका अप्लायन होता है इंफॉर्मेशन देने का भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स कोई होता है वो अप्लायन होता है पॉजिटिव एनर्जी देने वाला हमको चार्ज करने वाला भी कोई होता है हमारा प्लायन होता है और आपको पिलर ऑफ स्ट्रेंथ और गार्जियन ऑफ ऑफ गार्जियन ऑफ योर ड्रीम्स ये भी गार्जियन होता है तो इट कैन भी टफ लव वो अपलायन कई बार क्या होता है आपको प्यार टच लव भी कर सकता है और टफ लव भी कर सकता है तो कई बार क्या होता है कि सॉफ्ट बातें अप्रिसिएशन तो हमको पसंद आता है लेकिन जब टफ लव है वो पसंद नहीं आता टफ लव का असर है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताते हैं और कि टफ लव में क्या है कि डोंट जज योर वर्किंग अपलाइन बाय इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज और अचीवमेंट लाइक कार प्राइवेट जेट हाउ मेनी बुक्स ही रोड कभी भी अपलाइन को हमें अपने अपलाइन को इस बात के आधार पर नहीं जांचना चाहिए क्या उसने प्राइवेट जेट लिया कि नहीं लिया कभी फरारी ली कि नहीं ली क्या इंटरनेशनल मैगजीन में उसका आर्टिकल छपता है कि नहीं छपता है उसके अंदर आई कितना है उसका ये कितना इस आधार पर कभी भी नहीं अपने अपलाइन को परखना चाहिए बल्कि इस बात पर परखना चाहिए कि उसके अंदर एक केयरिंग का भाव है हमारी तरक्की करना चाहता है हमारे हमारी ग्रोथ को चाहता है नीति बहुत अच्छी है हमारी ग्रोथ को लेकर उनकी नियति यही एक चीज़ ही काफ़ी होती है अप्लायन को सुपर अपलायन मानने के लिए तो बी एबल टू ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ एट बेसिक स्टेप्स एंड टेन कोर स्टेप्स ये करने की आवश्यकता रहती है कई गलत हाथों में अगर आपकी आप चले जाएंगे तो वहां पर बात गड़बड़ गर, हो सकती है जैसे आप देखेंगे ये वर्कशॉप पर गाड़ी गई तो इसका ये खराब हो गया तो आर की जगह एल लगा दिया और एल की जगह आर लगा दिया है ना तो लैंड रोवर को रेंट लोवर कर दिया तो तो गलत आदमी के हाथों में जाएंगे तो वो गड़बड़ कर सकता है लेकिन आपका वर्किंग अपलाइन है तो वर्किंग अपलाइन तो आपको बढ़िया तरक्की कराने वाला है है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ये टफ लव है टफ लव है क्या है कि जब भी जराब अपने न्यू बेन बेबी को जन्म देता है बच्चे को तो जराब का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद तुरंत उसको किक मारना शुरू करती है तो प्यार तो बहुत करती है लेकिन किक इसलिए है क्योंकि जंगल में नहीं तो क्या कोई कोई हाइना है कोई भेड़िया है कोई दूसरा जानवर जंगली जानवर उसको खा जाएगा अगर उसको तुरंत किक मार के तुरंत खड़ा नहीं करेगी तो तो ये एक टफ लव कहलाता है कि किक मार रही है मां लेकिन मां ऐसा नहीं प्यार नहीं करती लेकिन वो चाह वो चाहती है इंडिपेंडेंट हो अपने पैरों पर खड़ा हो और ये जीवन बच सके कई बार क्या होता है आपको अकेला छोड़ के दूसरे शहर में आउट ऑफ टाउन आपको भेज करके कई बार आपको एक लैग पे आपकी पोस्टिंग करके कई बार आपको कुछ चीज़ें समझा के बता के कई बार आपको दूर रख के कई बार आपको पास बुला के बहुत सारे टफ लव के एग्जाम्पल्स होते हैं हमें समझना चाहिए कई बार आपको जिम्मेदारी पूरी मिलेगी कई बार आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो हर चीज़ में कोई ना कोई नियति है अपलाइन की हम समझ नहीं पा रहे हो सकता है डायरेक्टली कई बार बता के कई बार इनडायरेक्टली बता करके वो टफ लव भी रहता है हमें समझना चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर पावरथिन डेवलप होनी चाहिए उसमें क्या है कि हमारा हर हाल में अंत हमारा भलाई होना है तो हमारे की ग्रोथ के लिए वो ऐसा चाहते हैं जिसको हमें समझने की जरूरत रहती है तो टफ़ लव में क्या होता है पुशिश यू फॉर योर सक्सेस वो आपको पुश करेंगे टू तो गेट आउट गेट यू आउट ऑफ कम्फर्ट जोन आप कम्फर्ट जोन से आपको निकालने के लिए प्रयास करेंगे टू टेल यू द ट्रूथ एंड फैक्ट्स कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में आपको बात करेंगे ग्रेटेस्ट अपलायन ऑलवेज गिव यू वकअप कॉल आपको लगातार घंटी बजाएंगे बार बार वकअप कॉल देंगे आपको कि भाई ये टाइगर इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको इसको ऐसे करने की आवश्यकता है तो हमें क्या है हिंट में भी समझने की थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए डेवलप करनी चाहिए द और ऑफ वर्किंग अपलायन शुड बी कंटेजियस जस्ट टॉक फॉर टू मिनट यू फील एनर्जाइज आप देखेंगे अपलायन के संपर्क में जैसे हम आते हैं हमारा एनर्जी लेवल हमारा मानसिक लेवल मेंटल लेवल एकदम दमदार हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है आज हम लोग मीटिंग में आए सर को हमने सुना देखा फील किया सभी लोग अंदर से एकदम मजबूती फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एक ताले हो जाए सर के लिए तो आपकी परफॉर्मेंस कई बार अच्छी होगी तो आपकी पीठ ठोकेंगे और कई बार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी होगी तो भी आपके सर और आप। कई बार रिजल्ट डाउन है तो गर्दन मत झुकने दे अपलाइन आपका गर्दन कभी झुकते हुए देखना नहीं चाहता है सही है वो आपको सीना तान के और गर्दन तान के खड़ा करके काम करने की प्रेरणा आपको देता है वो हमेशा हर हाल में आपको वॉच कर रहा होता है वर्किंग अपलाइन नॉट ओनली सेलिब्रेट इन हैप्पी बर्थडे वह वर्किंग अपलाइन वह नहीं होता जो आपके बर्थडे मिस करता है आपको कार्ड डिलीवरी के टाइम पर हाजिर हो जाता है और गिफ्ट लेना हो तो तब प्रेजेंट हो जाएगा वहां पर ऐसा नहीं है और वर्किंग अप्लायन हु कंप्लेन अगर ऐसा कोई बंदा है जो कंप्लेंट भी करता रहता है गुटबाजी करता है स्टे अवे हु इज नेगेटिव नेगेटिव बहुत करता है स्टे अवे और हुईडीफाई और अप्लायंस सिस्टम कंपनी स्टे अवे वर्किंग अप्लायन हुई जस्ट लाइक ए वॉरियर वर्किंग अपलायन एक वॉरियर की तरह होता है योद्धा की तरह होता है हु कैन फाइट विद ऑल सिचुएशन फ्रॉम र्यूमर्स सोशल मीडिया पर र्यूमर्स फैल रहे हैं उनसे भी फाइट करना जानता है कोई निगेटिव बात कर रहा है उस सिचुएशन से निकलना जानता है अपलायन और सिस्टम को लेकर सही दिमाग में आपके खुराक डालने इस चीज को भी हैंडल करना जानता है हु कैन फाइट विद दिस डार्केस्ट आवर

तुमने करता हूं, करता हूं। बोलते कम है, करते ज्यादा है और आपके रिजल्ट रिवार्ड और सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं और यही है कि सबसे हाइय टर्न और हाईएस्ट इस हॉल के अंदर बैठी है इस बात के लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करना जानते हैं और करना चाहते हैं ऊपर कई बार क्या होगा बिजनेस में आपको डाउन आते हैं तो कई बार टूटने पे क्या होता है ऊपर वाला टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करता है और टूटने का मौका क्यों देता है क्योंकि जब बादल टूटता है तो बारिश होती है मिट्टी टूटती है तो खेती होती है और बीज टूटता टूटता है तो पौधा बनता है तो कई बार अगर आपके बिजनेस में भी कुछ अप डाउन आ रहा है कुछ हिलडल रहा है कैपिंग टूट रही है लेक टूट रही कुछ हो रहा है तो बड़ा जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन भी होने वाला है इस बात की तैयारी रखिएगा बहुत सारे हमने चीज़ देखी है इंसान को धैर्य रखना पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए उसी प्रकार से बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए और कई लोग बोलते हैं कि सर ल, 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 जो बिजनेस कब तक बनाते रहेंगे कई बार ये छोड़ के भाग गया कई बार ये टूट गया कई बार ये हो गया ये ऐसा बंदा बोल रहा है जिसका बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से अभी और कोई लोग कब तक करेंगे अरे तेरा शुरू भी तो हुआ नहीं भाई अभी अट्ठारह बीस लाख की टीम बन जाए तब आगे पूछना हमसे ठीक है अभी शुरू भी नहीं हुआ और कई लोग बोल रहे हो कब तुख तो करेंगे अरे शुरू तो कर लो बहुत दमदार काम होना है ठीक है तो और ये ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है और उसका भी कहीं ना कहीं जरूर अंत होता है और दुनिया में सबसे चारों ओर पानी ही पानी है उसका भी कहीं ना कहीं पर अंत होता है तो बुरे वक्त का भी एक दिन बु, बुरा दिन जरूर आता है बुरे वक्त का भी इसका ध्यान रखना है सही है तो जो भी चल रहा है वो भी जल्दू खत जल्दी खत्म होगा लेकिन समय पर खत्म होगा अपना काम करते रहना है आप देखेंगे एक ऐसे जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और समुद्र विशाल सागर वो दोनों आपस में मिलते हैं है ना तो दोनों का अंत होता है तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान लगाइए फोकस करिए सर ने बहुत अच्छी चीज़ें आज बताई हैं और वो हमें जरूर पूरी होंगी लेकिन दिल से चाहेंगे तो शाहरुख खान एक मूवी में बोलता है कि कायनात लग जाती है आपको वो सारी चीज़ें साजिश करना शुरू कर देती है आपसे मिलाने में ऐसे कुछ डायलॉग उसका तो एक वीडियो देखते हैं समझ में तो गया होगा वीडियो बहुत बढ़िया तो ऊपर वाला सबको देख रहा होता है आपके एफर्ट्स और प्रयास कभी बुरे मतलब ख़राब नहीं जाते उनका रिवार्ड एक दिन जरूर मिलता है हमको है ना तो अपने नेटवर्क को जो लोग जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं उसके लिए सारी यूनिवर्स की शक्तियां हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके लाइक पहले हमें चेक करती हैं कि हम उसके लायक हैं कि नहीं हैं वो जो भी घटनाएँ घट है, रही हैं अप्स एंड डाउन्स वो सब उसी के इम्तहान मान सकते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं है ना तो एक पार्ट है जर्नी का उसका जरूर ध्यान रखना है और पेशेंस रखना है नहीं। ये गोल ऑफ 2025 दिखा रहा हूँ लास्ट में अपनी बात विराम देने के लिए और 2025 के लिए हमें काम करना है एक बढ़िया टास्क दिया है सर ने और 2025 के लिए सारी चीज़ें परमात्मा बढ़िया करेगा ही और सेंट्रलाइज हम लोग इकट्ठा होंगे और बढ़िया आज ही गोल बनाते हैं ड्रीम बनाते हैं वो जिस गोल पे काम करते हैं अभी तक जिस पे किया वो पूरे तो हो ही जाते हैं सारे है ना 2025 के लिए गोल है इस पे काम करेंगे हम लोग बढ़िया से और उसका एक सपना लेके करेंगे टाइम हमारे पास काफ़ी है और जल्दी पॉसिबल भी हो पाएगा तो यहाँ पर इकट्ठा होंगे हम सब लोग ठीक है पूरी टीम के साथ देखते हैं भी पहुंचेंगे ढेर सारे लोग क्राउन एंबेसडर बनेंगे ढेर सारे लोग क्राउन बनेंगे अपने डाउनलाइन में से आप लोग क्राउन बना बना के लेके आएंगे डायमंड्स की सेंचुरी कंप्लीट होंगी कईयों की बहुत बड़ा काम खड़ा होने वाला है और जो भी गोल है फाइनेंशियल गोल और जो भी आपके गोल हैं फैमिली को लेके परिवार को लेके सारे पूरे होंगे और आप इस बात का जरूर ध्यान रखना सर ने बताया है कि दो दिनों के बीच में एक रात आती है तो वो रात गुजरती है फिर से दिन आता है और बुरे दिन का भी एक दिन बुरा दिन, दिन जरूर आता है सब चीजें हैं वर्कआउट करना है अपने आप को मजबूत बना के रखना है थोड़ा बियॉन्ड सोचना है थोड़ा बड़ा सोचना है दूसरों से ज्यादा सोचना है दूसरों से पहले सोचना है दूसरों से बड़ा सोचना है सही है दूसरों से पहले करना है दूसरों से ज्यादा करना है इतना ज्यादा करना है सही है तैयार करना है चाहे एटीट्यूड को लेके हो चाहे ग्रेटिट्यूड को लेके हो चाहे एसेट बनने को लेके हो चाहे वरदान बनने को लेकर के हो सारी चीज़ें बढ़िया मिल के यूनिटी में काम करके हर किलाफत होगा हर सक्सेस के पायदान पे आप पहुंचेंगे और जितने भी माइल बने होंगे वो सारे माइल ज़रूर पूरे होंगे और दुनिया आपका जलवा देखेगी वो दिन असल में तो शुरू हुआ नहीं है वो सब चीज़ आना बाकी है इंडस्ट्री बहुत अच्छी है सुनहरा भविष्य है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता अगले तीस साल इसी के होने जा रहे हैं इसी लेजेंड्स के सामने दो मिनट भी बोलना बहुत ही गर्व की बात है प्राउड की बात है आप जैसे साथी मिलना आप जैसा परिवार मिलना मुझे बहुत ही गर्व फील होता है बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप जैसे साथियों के साथ ईश्वर ने काम करने का सौभाग्य दिया और ऐसे ग्रेट मेंटर के साथ में अपलाइन के साथ में काम करने का ईश्वर ने मौका दिया हम सभी का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हैं सही हाथों में है सही कंपनी के साथ हैं सही सिस्टम में है सही मेंटरशिप में है और अगला आने वाला समय भी बहुत सही होने जा रहा है सही है तो हम जीरो से शुरू हो गया था यहाँ पहुँच गए अभी बहुत आगे जाना बाकी है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर ने हम सभी को आशीर्वाद दिया और अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू शुक्रिया बहुत धन्यवाद